महिलाओं के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे शुद्ध और अशुद्ध मासिक धर्म के बारे में, अर्थात कि जो मासिक स्राव, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फ्लो आता है, वो शुद्ध हो रहा है कि अशुद्ध हो रहा है, उसे आप अपने घर पे कैसे पहचान सकते हैं और इसके बारे में आयुर्वेद ने क्या क्या कहा है, उस बारे में आज का ये वीडियो है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मासिक धर्म, किसी भी महिला के जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़ा चेंजेस है उसको मासिक स्राव आना। हर महीने 28 दिनों में यह साइकिल उनके शरीर में आता है या मासिक फ्लो होता है। इस मासिक फ्लो से ही या इसी मासिक धर्म से उनके पूरे का पूरा जीवन या स्वास्थ्य टिका हुआ है, जैसे कि हॉर्मोन, ब्रेन या फिर पारिवारिक या सांसारिक जीवन, इन सारी चीज़ों पर टिका है। तो आयुर्वेद कहता है स्त्रियों के जो विशेष गुण हैं वो सारे के सारे गुण या प्रॉपर्टी इसी मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण ही होते हैं। जैसे कि स्त्रियों में वात्सल्य, सॉफ्टनेस या फिर उनके जो विशेष गुण हैं पाए जाते हैं, या फिर उनका सुखी वैवाहिक या काम जीवन, ये सबका सब गर्भाशय या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिपेंड करता है। तो चलिए जानते हैं कि आपकी फैक्ट्री से, गर्भाशय की जो फैक्ट्री है, उसमें से जो हर मासिक धर्म में फ्लो आता है वो शुद्ध है कि नहीं, उसे आप कैसे जान सकते हैं। नंबर एक, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है वो उसी तरह होने चाहिए जैसे कि यूरिन या लैट्रिन, अर्थात जब आप यूरिन लैट्रिन करते हैं तब आपको कोई समस्या या तकलीफ नहीं होती, वो आराम से पास हो जाता है। वैसे ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जब आपको होता है तो वो भी एकदम आराम से हो जाना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ये शुद्ध आर्तव या शुद्ध मासिक धर्म का एक लक्षण है। लक्षण नंबर दो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो होता है उस समय पर उसमें से कुछ बबल्स नहीं निकलने चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए या वाइट डिस्चार्ज उस समय पर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपका जो मासिक धर्म है वो शुद्ध नहीं है। तीसरी बात, जो मासिक स्राव हो रहा है वो 1 से 3 दिनों तक होना चाहिए और फिर 4थे या 5वें दिन तक बंद हो जाना चाहिए। अगर वो उससे कम दिन या फिर कई ज़्यादा दिनों तक हो रहा है तो वो शुद्ध आर्तव के लक्षण नहीं है। मासिक धर्म महीने के 28 दिनों में या उसके 1-2 दिन आगे पीछे ही आना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा जल्दी आता है या बहुत लेट आता है तो वो भी शुद्ध आर्तव नहीं है। आयुर्वेद में एक कलर बोला है जो मासिक धर्म में ब्लड निकलता है उसको जांचने का। उन्होंने ऐसे कहा है, गुंजा फलम सवर्णम च, गुंजा नाम का एक फल होता है, उस फल का जो कलर होता है उस तरह का अगर मासिक धर्म निकल रहा है या उस जो ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में, गुंजा के फल की तरह अगर उसका रंग है तो नॉर्मल है। एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि या तो गुंजा के फल के जैसा हो या फिर जो रैबिट खरगोश होता है, खरगोश का जो ब्लड होता है उसके ब्लड की तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो होना चाहिए। अगर मासिक धर्म के दिनों में जो आपको ब्लड आ रहा है वो काले कलर का है या फिर उसमें से खून की गांठें गिर रही हैं, वो सारी चीज़ें अशुद्ध आर्तव के लक्षण हैं, अर्थात आपके शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ है। एक और विशेष उन्होंने लक्षण दिया है, वो ये बताया है कि मासिक धर्म जब जो आता है वो कोई कपड़े पे लगे, वो जो ब्लड है जिस कपड़े पे लगे और उस कपड़े को अगर आप पानी से क्लीन करते हैं, धोते हैं, तो वो जो कपड़े पे लगा हुआ ब्लड है वो साफ़ हो जाना चाहिए, मतलब उसका कोई भी दाग नहीं पड़ना चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों पे अगर जो वो ब्लड आया है वो आपके किसी कपड़े पे लगा है, उस कपड़े को अगर आप क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद ब्लड निकल गया तो शुद्ध मासिक धर्म है। पर वही खून साफ करने पर अगर उसमें दाग आते हैं, स्पॉट्स कुछ दिखाई देते हैं, तो वो फिर अशुद्ध मासिक धर्म के लक्षण हैं। तो ये कुछ आयुर्वेद में शुद्ध और अशुद्ध आर्तव के लक्षण हैं जिसको कि हर एक लड़की या हर एक महिला को पता होना चाहिए। और अगर आप हर महीने डॉक्टर के पास नहीं भी जा सकते तो एटलीस्ट जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उन दिनों में इन सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। फिर से रिपीट करता हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पे कोई भी दर्द, पीड़ा, वाइट डिस्चार्ज, क्लॉट्स, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है वो 1 से 3 दिनों में नॉर्मल हो जाना चाहिए। गुंजा का फल या खरगोश के ब्लड की तरह वो रंग रहे तो ज़्यादा अच्छा, और जो उसका ब्लड है अगर वो कपड़े पे कहीं पे लगता है तो उसे धोने पे वो रंग निकल जाना चाहिए। अगर ये सारे लक्षण मौजूद हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल
या मासिक धर्म बहुत अच्छे से हो रहा है। तो अगली बार जब भी मेंस्ट्रुअल स्राव आए तो आप आयुर्वेद की इन बातों का ध्यान जरूर रखिए, जिससे कि आप जान सके कि आपकी गर्भाशय की फैक्ट्री अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।